ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हम लोग बना रहे थे, उसका थोड़ा सा हम लोग बनाए थे और छोड़ दिए थे, तो उसको हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसका कोड आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे होगे, तो इसको मैं कोड कहीं और पे डालूंगा। ठीक है, बिग बकेट में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से ये वीडियो में जो भी कोड मिलेगा इसको आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि जो मेरा गिटहब अकाउंट है वो दूसरे लोग के लिए प्राइवेट हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई ब्रो, लेकिन हाँ ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत दिन के बाद मैं फ्लटर पे काम करने वाला, तो देखते हैं याद है या फिर मैं भूल गया कुछ चीज़। ओके, तो हम लोग अभी वेलकम पेज बना चुके हैं, स्प्लैश स्क्रीन बना चुके हैं, होम पेज हम लोग को बनाना था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि हमारा होम पेज कैसा रहेगा, तो हमारे पास फिग्मा डिज़ाइन भी थी, जो हम लोग फिग्मा बनाए थे डिज़ाइन वो भी हमारे पास, तो वो ओपन करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा डिज़ाइन। यहाँ पे देखो हमारे पास अभी ऑथ स्क्रीन भी बाकी है, हम लोग सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन बनाया, ऑथ स्क्रीन हमारे पास बाकी है, लेकिन मैंने जो प्लान से शेयर किया था उसमें हम लोग होम पेज का था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग होम पेज का यूआई बनाएंगे, फिर उसका उसके बाद हम लोग ऑथर स्क्रीन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक बार हो गया प्लान वो हो गया, अभी हम लोग होम पेज बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्रीन शॉट लेकर रख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को आज बस इतना ही बनाना है। ओके, इतना भी छोटा नहीं ब्रो, इतना बनाना है। ठीक, तो इसको हम लोग सेव करके रख लिए, और मैं फिग्मा को बंद कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लोड ना पड़े इसके लिए। ओके, तो हमारे पास डिज़ाइन भी है और हम लोग को सेम टू सेम ऐसा क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ऐप बार हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर का जो, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि इसमें हमारे पास कलर्स ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। ओके, तो कलर्स हमारे पास डाला हुआ है, एसेट्स पाथ भी सारी चीज़ें हम लोग बना के यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, थीम सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग को डायरेक्टली अब बनाना स्टार्ट करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे थीम डॉट ऑफ, और ये इंटेलिजेंस लोड नहीं ले रहा ब्रो, कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कलर। ओके, प्राइमरी चेक करते हैं कि हमारा कलर आ रहा है कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया। तो हम लोग इधर जाके, ओके, तो अभी दिक्कत यह है कि हमारा जो पे ऐप है वो हमारा होम पेज पे मतलब नहीं जा पा रहा है। ठीक है, वो कहीं और जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि हम लोग को लेके जाना है होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं ये रूट को एक बार और डुप्लीकेट करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना होम पेज के लिए भी बना लेता हूँ होम, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ होम पेज। अब ये होम पेज को हम लोग को स्प्लैश कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे आकर कॉल कर देना होम, कि हम लोग 2 सेकंड के बाद होम पेज पे जाएंगे। रिस्टार्ट करते हैं ऐप को, अब देखते हैं कि हमारा जो ऐप है वो होम पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, रिस्टार्ट होने का वेट करते हैं। ओके, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है जो हम लोग बनाए थे, आपको शायद याद होगा, और ये हमारा होम पेज आ चुका है। ओके, तो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा होम पेज। अभी हम लोग को करना क्या है कि, ओह शिट, हमारा वो स्निप टूल। ओके, तो हमारा वो चीज़ें चला गया, एक सेकंड गाइस। ओके, तो हम लोग को इस टाइप का बनाना है, जिसमें कि हम लोग ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, राइट साइड में हमारा प्रोफाइल रहेगा और नीचे सर्च वाला। तो देखो, इसका दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम लोग ऐप बार यूज़ कर लें, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं नीचे ही बनाते हैं, नीचे ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग को बनाना, क्योंकि ऐप बार में बनाने से हमारे पास ऐप बार जो होगा वो स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा सा ऐप बार हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर।
कंटेनर के बाद चाइल्ड में हम लोग लिखते हैं कॉलम, सबसे पहले लेंगे रो, फिर कॉलम, एंड इसका डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं ताकि पता चले कि हाँ हमारी चीज़ें रेंडर हो रही है, वो देख सकते हो आप, रेंडर हो गया। तो हम लोग को सेफ एरिया को हटा देना, ठीक, सेफ एरिया को मैं रिमूव करता हूँ, अभी हमारा सही है। थोड़ा सा पैडिंग की ज़रूरत है, 20 का पैडिंग में देता हूँ, अभी हमारे पास सही लग रहा है, ठीक है। अभी देखो हमारा काम क्या है कि हमारा जो रो है उसमें हम लोग को बनाना है कॉलम, चल्ट है, ठीक है, और इसमें फिर से हम लोग एक रो बनाएंगे। और पहला रो में हमारे पास रहेगा टेक्स्ट एंड प्रोफाइल इमेज। टेक्स्ट में क्या है तो हम लोग अपना जो एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी करते हैं इस तरह से, एंड कहाँ पे एरर आ रहा है, ओके यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग पेस्ट कर दिए, वहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट लगाता हूँ मैं, ओके। अभी हम लोग को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ मैं कि इधर से सिमेट्रिक डालते हैं, वर्टिकल हम लोग 20 देते हैं, हॉरिजॉन्टल हम लोग 30 देते हैं, ओके नॉट, यस अभी सही है, ठीक है। अभी हम लोग इसका स्टाइल करेंगे, स्टाइल थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम, सॉरी सॉरी कलर स्कीम नहीं, थीम डॉट ऑफ क्या हो गया, स्टाइल के बाद थीम डॉट ऑफ डॉट, ओके ओके यहाँ पे कॉन्स्ट लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी लार्ज डालते हैं, तो ये हमारा बॉडी लार्ज कुछ ज़्यादा ही हो गया, बॉडी मीडियम डालते हैं। क्या भाई कुत्ते क्यों भूख रहे हैं, कॉपी विथ, ठीक है, कॉपी विथ में हम लोग कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर इस तरह से डालते हैं ताकि हमारा कलर जो है वो वाइट हो जाए, ताकि दिखे हमारा, ठीक है। नीचे भी हमारे पास एड्रेस का है, तो नीचे एड्रेस का ठीक है, वो हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग एड्रेस डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग एड्रेस नहीं डाल रहे। अब हमारा काम है कि यहाँ पे सर्कुलर अवतार डाल दें, चाइल्ड में हम लोग टेक्स्ट डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए, एंड डाल देता हूँ, अभी देखते हैं कि हमारा किस टाइप का है, ओके फाइन हमारा सही लग रहा है अभी सर्कुलर अवतार। अब मैं यहाँ पे आके मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हम लोग स्पेस बिटवीन कर देते हैं, अभी देखो हमारा स्पेस बिटवीन उधर गया नहीं, क्योंकि हम लोग जो ये रो बनाए उसके बाद जो कॉलम बनाया उसको हम लोग एक्सपेंड नहीं किए, एक सेकंड, ये रो बनाए, ठीक है, एंड वो रो के अंदर हम लोग को ये कॉलम के अंदर हम लोग को रो बनाना चाहिए था ऐसा, और अब हम लोग ये कॉलम जो है इसको हम लोग को एक्सपेंडेड से रैप करना है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हम लोग को सिंपल सा नीचे ये कॉलम जो है कॉलम के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और कंटेनर लेंगे, चाइल्ड और रो। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम लोग ये वीडियो में सर्च फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करेंगे, एक अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि सर्च फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको हम लोग ये अपनी ई कॉमर्स वाली ऐप में इंटीग्रेट करके भी ट्राई करेंगे, ठीक है। डेकोरेशन करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, कलर स्कीम,
कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर। ओके, इसका हाइट देता हूँ मैं 50। ओके फाइन, अभी हम लोग इसको साइज बॉक्स देते हैं, हाइट 20 का। तो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप चाहो तो अपना इस टाइप का पूरा चीज़ें बढ़िया से बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, मैं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना रहता है, तो मैं यहाँ पे जितना हो सके उतना बनाता हूँ, लेकिन मैं पूरा परफेक्ट नहीं बना पाता, ठीक है। लेकिन आप लोग जब बनाओ तो पूरा परफेक्ट बनाया करो, कि जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे। क्योंकि मैं पूरा अगर डिजाइनिंग में ही लगा दूंगा तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्च वाला तो हम लोग इस तरह से लिख दिए, लेकिन हम लोग को इस तरह से लिखना नहीं है। हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले एक्सपेंडेड लगाना है और इसमें टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये हमारा सर्च वाला आ जाएगा। ओके, सर्च वाला आ गया, लेकिन इसमें भी डेकोरेशन हम लोग को चाहिए, इनपुट डेकोरेशन। एंड यहाँ पे हमारे पास है बॉर्डर, अंडरलाइन बॉर्डर। ओके, बॉर्डर साइड डॉट नन। ऐसा करने से हमारा जो अंडरलाइन का बॉर्डर है वो चला जाएगा। ओके, अभी हम लोग हिंट टेक्स्ट डाल सकते हैं, कि हिंट टेक्स्ट इन द सेंस कि सर्च, ठीक है, इस टाइप का। तो ये हमारा इधर पे दिखने लगेगा। अभी हमारा परफेक्ट है, जब लिख रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे टाइप हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसकी हाइट और लगा रहना चाहिए, 60 रख देते हैं। अगर मैं हाइट हटा दूँ, ओके, हाइट हटाने पे अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग इसका पैडिंग 5 डालते हैं। ओके, तो हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, सिमेट्रिक वर्टिकल में हम लोग 5 डालते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम लोग 10 डालते हैं, थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल बढ़ाते हैं, 15 करते हैं। अभी सही है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे कि एक्सपेंडेड है ही, उसके बगल में हम लोग एक लिखेंगे आइकन, आइकन बटन। ओके, ऑन प्रेस पे अभी कुछ नहीं, और आइकन्स आइकन्स डॉट सर्च ऐसा। तो ये हमारा सर्च वाला आइकन भी आ गया। अब जहाँ जहाँ पे हम लोग को कॉन्स्ट चाहिए रहेगा वहाँ वहाँ पे लगा देंगे, ताकि हमारा कोड भी जो है वो क्लीन दिखाई दे। ओके, डन हो गया। अभी हम लोग इतना बना चुके हैं, अब हम लोग नीचे आते हैं। तो नीचे बनाने से पहले काम करता हूँ कि जो ऊपर वाली चीज़ है उसको हम लोग अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। अलग नहीं रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, इसी पेज में रखते हैं, ठीक है। ओके, साइज बॉक्स हाइट 20 का डालते हैं। एंड हम लोग को अब क्या बनाना है, अब हम लोग को यहाँ पे क्रॉजल बनाना है। क्रॉजल के लिए भी रहने देते हैं, ठीक है। क्रॉजल में थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ता है, अलग पैकेजेस यूज़ करना पड़ता है। फिलहाल के लिए हम लोग ये बनाते हैं कैटेगरी वाली चीज़ें, ठीक है। चलो कैटेगरी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग ऊपर चलकर एक कैटेगरी बना ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर, या फिर लिख सकते हो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, नहीं, मैं वेयर ही लिखता हूँ, वेयर कैटेगरी इक्वल टू, हमारे पास एक एरे रहेगा, ठीक है। एरे के अंदर हमारे पास आईडी रहेगा 1, ठीक है। आईडी के बाद हमारे पास उसका कैटेगरी का नेम रहेगा। मान लो हमारा कैटेगरी का नेम है टमाटो पोटैटो थोड़ी, ठीक है। फिलहाल के लिए यही रखते हैं।
एंड उसका इमेज रहेगा, इमेज, ठीक है, यूआरएल ऐसा। और ये हमारे पास कितना भी हो सकता है, फिलहाल के लिए हम लोग ये ले रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोग इसको कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारा ये हो गया। अब इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे अपना लिस्ट। तो सबसे पहले रो लिखते हैं चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में हमारा ये जो है ब्रैकेट, इसको हटा देंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी डॉट मैप, ओके, ई, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न। आई थिंक मैं भूल गया ब्रो कि इसमें हम लोग इटरेट कैसे करते थे, वो शायद मैं भूल गया। कोई नहीं, अभी मैं ट्राई करता हूँ। डॉट टू लिस्ट, ओके, यही है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं हम लोग को, हम लोग समझ गए कि कैसे करते थे, ओके। तो अभी हम लोग लिस्ट बना लिए, लेकिन हम लोग को बनाना है कॉलम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम चिल्ड्रन, और कॉलम में हमारा ऊपर रहेगा इमेज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ img, एक कंटेनर लगाता हूँ पहले, विथ डालते हैं उसको 50, हाइट डालते हैं 50, कलर डालते हैं कलर डॉट रेड, ओके। तो हमारा ये इस तरह का हमारे पास बन के आ गया। ये आप देख सकते हो कि हमारे पास ये लिस्ट आ गया है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉलम है उसको भी हम लोग कंटेनर से रैप कर देते हैं, ताकि ज़्यादा हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। और इसमें हम लोग मार्जिन दे देते हैं एज इंसिस्ट डॉट ऑल 5 का मार्जिन, तभी हम लोग को सेपरेटेड दिखाएगा कि हाँ हमारे पास कितना टोटल कैटेगरी है। तो 550 नहीं 80 लिखते हैं, तो आई थिंक हमारे पास सही कैटेगरी का हाइट विथ आएगा, सही है। अब हम लोग को क्या होगा कि अगर मान लो कि कल को होकर अगर आप ये चीज़ को बढ़ाओगे तो हमारा कैटेगरी उधर ओवरफ्लो करेगा, बोला कि भाई ज़्यादा लिस्ट हो गया तो इसके लिए आप कुछ करो। तो हम लोग ये जो रो है ना उसको रैप करेंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, और स्क्रॉल डायरेक्शन हम लोग दे देंगे स्क्रॉल डायरेक्शन, ये क्या लेता है ब्रो, ये लेता है एक्सिस डॉट वर्टिकल, आई थिंक वर्टिकल ना ब्रो, मैं वर्टिकल ओरिजेंटल में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, ओके। ओरिजेंटल लिखने से ये हमारा इस तरफ से स्क्रॉल हो सकता है, चलो सही है। हम लोग अपना यूआई देखें तो हमारे पास यूआई के ऊपर एक कैटेगरी का भी टेक्स्ट लिखना था इस टाइप से, तो हम लोग वो भी लिख दिए। अब ये हमारा साइड में नहीं आ रहा, तो सिंपल सा इसका काम है कि इसको रो से रैप कर दो, ये अपना साइड में आ जाएगा, ओके, इस तरह से। अभी हमारा देखो कि हमारा इधर का जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि पैडिंग चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक पैडिंग से रैप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैडिंग, ठीक है, एज इंसिस्ट डॉट 10, चाइल्ड में हमारे पास रहेगा कॉलम। तो इसको मैं एक काम करता हूँ एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड के बाद एक्सपेंडेड के बाद हम लोग लगाते हैं कॉलम चिल्ड्रन। अब पेस्ट करते हैं, अब हमारा सही रहेगा, ठीक है। इतना दूर का हम लोग को वो भी हो गया कि हमारा थोड़ा सा हाइट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैडिंग मिल गया, ओके। अभी हमारे पास ये हो गया कैटेगरी, हम लोग कैटेगरी बना रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे और कैटेगरी का नाम देंगे। हमारे पास कैटेगरी का नाम है क्या, ए डॉट ई डॉट नेम तो आएगा नहीं, तो हम लोग को ऐसे यूज करना पड़ेगा नेम,
तो ये हो गया हमारा कैटेगरी का नेम। बाद में चल के हम लोग यहाँ पे इमेजेस भी लगाएंगे जब हम लोग कैटेगरी एक्चुअल में फेच करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास कैटेगरी है नहीं तो हम लोग फेच नहीं कर रहे, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। हमारा थोड़ा सा सिर्फ मुझे बॉर्डर रेडियस चाहिए। फाइव का नहीं, 10 का डालते हैं। 10 भी मुझे कम लग रहा है ब्रो, तो मैं 30 का डालता हूँ। अब ये हमारा कैटेगरी तो बन गया। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इस टैब का क्या बनाना है, एक कार्ट कार्ट बनाना है जो कि हमारा प्रोडक्ट को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइज बॉक्स लिखता हूँ ताकि इसके नीचे हम लोग अपना प्रोडक्ट दिखा पाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम चिल्ड्रन। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कॉलम चिल्ड्रन। एंड कॉलम के अंदर हम लोग बनाएंगे क्या, ग्रिड व्यू लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू बिल्डर। ग्रिड डेलीगेट फिक्स काउंट आपको नहीं दिख रहा होगा आई होप। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कि 2 काउंट होना चाहिए हमारा, और बिल्डर में कंटेक्स्ट एंड इंडेक्स आएगा, एंड इस तरफ हम लोग रिटर्न करेंगे कंटेनर। कंटेनर का जो कलर होगा कलर डॉट रेड होगा, दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर आता है। एरर आ गया, तो एक काम करता हूँ, ग्रिड व्यू को मैं एक्सपेंडेड से रैप करता हूँ, फिर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है। तो हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एक्सपेंडेड है उसको मुझे आई थिंक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से रैप करना चाहिए था, तो अभी भी हमारे पास ठीक नहीं हुआ प्रॉब्लम। चेक करना पड़ेगा ब्रो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्योंकि हम लोग एक ही पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक काम और कर सकता हूँ मैं कि हम लोग ये ग्रिड व्यू को यहाँ पे ना लगाकर, अंडरस्टैंड, हम लोग ये ग्रिड व्यू को सबसे लास्ट में लगाया गया। यहाँ पे तब कैसा रहेगा? तो अभी ये प्रॉब्लम है ब्रो। कोई नहीं, फिर से इसको हम लोग
एक्सपेंडेड से रैप करते हैं। ओके तो हमारा एक्सपेंडेड से रैप करते के साथ ही हमारा प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। ओके अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है उसमें मार्जिन हम लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही मिल जाएगा हम लोग का स्पेसिंग। स्पेस हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा? ओके मेन एक्सिस स्पेसिंग हम लोग 10 डालते हैं, क्रॉस स्पेसिंग भी हम लोग 10 डालते हैं। इतना लिखते के साथ ही हमारे पास इस टाइप का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंटेनर में भी हम लोग को मार्जिन रहता है, तो इससे अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, ये जो है ना एक्सपेंडेड उसको मार्जिन से रैप कर देते हैं और 10 का मार्जिन हम लोग डाल देते हैं। ओके तो हमारे पास अभी भी एरर हो गया, कंटेनर को। ओके इस पर रिमूव करते हैं, एक बार रिलोड करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन कोई नहीं, होता है ये सारी चीज़ें। ओके अभी ठीक है, अभी तो कुछ चारों तरफ से अगर हमको साइड भी करना है तो हम लोग मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा पैडिंग नहीं भी काम कर रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग मार्जिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 का मार्जिन लिखा तो ज़्यादा हो गया, तो हम लोग ये जो स्पेसिंग यूज़ किए थे उसको हटा देते हैं। अभी हमारे पास परफेक्ट है और बढ़िया है, ठीक है। तो अभी एक काम करता हूँ मैं कि हम लोग को कैसा बनाना वो देख लेते हैं। तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमारा बन चुका है, अब बस इसमें से हम लोग को लगाना है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो चलो वो चीज़ें हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास सिल्वर ग्रिड व्यू के अंदर एक हमारे पास चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो आता है, वहाँ पे 0.9 लिखा, क्योंकि अब मुझे पूरा स्क्वायर नहीं चाहिए था तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 0.9 लिखा। अब यहाँ पे मैं डेकोरेशन करना स्टार्ट करता हूँ इसको। ओके इसमें कलर हमारा जो रहेगा थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर हमारा रहेगा, इसको तो हटा देते हैं। ओके ये हो गया हमारा इस टाइप का। अब हम लोग इसके अंदर भी हमारे पास एक कंटेनर रहेगा, तो सबसे पहले चाइल्ड लेते हैं, कॉलम लेते हैं, ठीक है। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन और एक और कंटेनर हमारा रहेगा चाइल्ड, और ये कंटेनर के अंदर हमारे पास हाइट जो है वो हमारा रहेगा मान लो कि 100, ठीक है, हाइट 100 हमारा हो गया। और चाइल्ड जो रहेगा वो हमारा फिलहाल के लिए रो डालते हैं, बाद में हम लोग इसको आइकन इमेज डालेंगे। और इसका कलर हम लोग डालते हैं थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी डॉट विथ ओपेसिटी 0.3, विथ ओपेसिटी 0.3। ओके इस टाइप से, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसमें ओके राउंडेड भी करना है। तो राउंडेड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग किसी भी चीज़ को राउंडेड कैसे करते हैं। तो ये जो कलर है वो यहाँ पर ना लिख कर हम लोग इसको डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन और इसके अंदर हम लोग कलर डाल देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग बॉर्डर रेडियस डॉट ऑनली करते हैं, देखते हैं पहले कि सभी जगह चाहिए या सभी जगह चाहिए हम लोग को। तो मैं 10 करता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10, तो ये हो गया हमारा सभी जगह। सेम हमारा
ये चीज़ें ऊपर भी रहेगा यहाँ पे, तो ये भी हमारा राउंडेड हो जाएगा। अभी देखो हमारे पास चारों तरफ से थोड़ा सा पैडिंग है, तो मैं हमारा जो मेन बॉक्स है ना उसमें भी हम लोग पैडिंग डालेंगे चारों तरफ से, एज इंसिस्ट डॉट ऑल 5 का पैडिंग। ओके, अब हम लोग को टेक्स्ट लिखना है, सारी चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे आकर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट, मान लो टमाटो। ओके, फिर हमारे पास इसको सबसे पहला काम है कि रो से रैप करें, ये हो गया हमारा। फिर हमारा काम है कि उसका रेटिंग लगाएं, तो रेटिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आइकन आइकन्स डॉट स्टार। ओके, कलर कलर डॉट येलो। तो हमारे पास जितने आइकन चाहिए उतना हम लोग येलो बना देंगे। ओके, तो हमारे पास चार आइकन ऐसा है और एक एक रेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रे कर देते हैं। ये हो गया हमारा स्टार का काम। अब हमारा काम है रो चिल्ड्रन चिल्ड्रन के बाद हम लोग को क्या बनाना है, प्राइस दिखाना है और बटन बनाना है। ठीक है, सिंपल काम है। टेक्स्ट लिखेंगे प्राइस कैसा है, तो मान लो 23 पर केजी है। ठीक है, प्राइस हम लोग दिखा दिए। अब हमको बनाना बटन, तो बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कंटेनर चाइल्ड आइकन आइकन्स डॉट एड। ओके, हमारा बटन रेडी है। डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। ओके, पैडिंग इज इंसिस्ट इंसिस्ट इंसिस्ट। ओके, 5 का हम लोग पैडिंग भी डाल देते हैं। ठीक है, अब जो बटन का कलर है, कलर्स डॉट वाइट, ये हो गया हमारा बटन का कलर। अब अगर आप देखोगे तो हमारा ये जो है क्या बोलते हैं इसको, बटन वो नीचे से कर्व हमारा बहुत ज़्यादा जितना कि हम लोग मैच कर पाए, तो हम लोग उसको भी कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, ऑनली लिख देते हैं। ठीक है, ऑनली की ज़रूरत है वैसे नहीं यार, हम लोग ऐसे काम चला रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन, ये हो गया। अब हमारा जो हाइट है वो बच गया, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक काम और भी हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हम लोग क्या कर दें कि स्पेस अराउंड लिख देते हैं,
स्पेस अराउंड करने से क्या हुआ कि हमारे इमेज जो ऊपर वाला वो भी नीचे आ गया, तो स्पेस इवनली करते हैं। मज़ा नहीं आ रहा। स्पेस बिटवीन करते हैं लोग, ओके यही सही है, स्पेस बिटवीन हमारे पास सही है। तो हमारा इस तरह से प्रोडक्ट भी दिख रहा है, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट बना लिया, हम लोग कैटेगरी बना लिया। अब हमारा सिर्फ काम क्या है कि इसमें सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो देखो, अगला वीडियो जो आएगा उस वो तो रहेगा कि हम लोग इसका ऑथेंटिकेशन पार्ट पहले हम लोग को करना पड़ेगा। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन करो, प्रॉपर इन द सेंस कि इसमें फॉरगेट करने का भी होना चाहिए, यानी कि जितना टाइप का दिक्कत आ सके वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए ऑथेंटिकेशन। तो टेंशन नहीं लो, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया, पिछला वीडियो और आएगा, उसमें हम लोग अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग लॉग इन का चीज़ें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को लॉग इन करना पड़ेगा, तभी हम लोग डेटा को गेट कर पाएंगे। ओके ओके तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आई थिंक मुझे लग रहा है कि बढ़िया नहीं बन पा रहा, तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे हम लोग ठीक कर लेंगे। और जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ों को कंप्लीट करना, तो कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।